ये जो है पूरा, तो इसको प्रेस करके रखिएगा ना, जहाँ पे 40 मिनट 35 मिनट में आइस बना रहा था वहाँ 20 से 15 मिनट में बना देगा। सैमसंग का 385 लीटर का 2-स्टार रेफ्रिजरेटर अभी डेमो और इंस्टॉलेशन करने जा रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं लालजीत वर्मा और मेरा यूट्यूब चैनल एलवी टेक्निकल सपोर्ट में आपका स्वागत है। तो सैमसंग का 2-स्टार और सालाना खर्च 285 यूनिट और 20 साल कंप्रेसर का वारंटी के साथ आता है ये मॉडल। देखिएगा, अभी न्यू इंस्टॉलेशन हो रहा है तो सबसे पहले 3 से 4 घंटा कोई सामान नहीं रखना होगा, ठीक है। ऊपर वाला फ्रीजर हो गया, ये जो है पूरा ये फ्रीजर हो गया। अच्छा, इसमें तो पानी का बोतल रखा, पानी का बोतल रखिएगा लेकिन आइस बन जाएगा उसमें भी। इसमें क्या रखिए, जैसे आप कोई चीज़ अचार का पैकेट ले आए या मसाला का पैकेट ले आए, मतलब पूरा पैक हो, खुला होना ही नहीं चाहिए। आप पैकेट काट के रखिएगा तो आइस बना देगा, मतलब वो जैसे आप चिप्स का पैकेट लाए वो पूरा पैकिंग रहता है, उसमें नाइट्रोजन गैस भी होता है, तो उसके कारण क्या होता है ना कि वो अंदर वाला ख़राब नहीं करेगा, वही कटिंग करके रखिएगा ख़राब कर देगा। इसमें खुला आइसक्रीम भी नहीं रखना है, वो भी मतलब पिघलने लगता है, मतलब फ्रीजर में नहीं रखना है, आप नीचे रखिए खुला है तो, और पैकिंग है तभी रखिए इसमें। ढक्कन वाला है तो ढक्कन बंद करके, हाँ उसमें हवा नहीं जा रहा है तो ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें पानी रखिएगा तो आइस बनेगा। अब इसको ऐसे मूव करना है, अब इसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये कूल पैक है, जैसे लाइट चल जाता है तो ये एक्स्ट्रा कई समय तक रखता है। अब जैसे कई दिन लाइट नहीं आ रहा, जैसे कई दिन नहीं मतलब 12 घंटा 6 घंटा, तो नीचे वाला सामान आप ऊपर रख दीजिए, ठीक है। ऊपर हो गया फ्रीजर और नीचे हो गया फ्रिज, ये चिल के है ना। हाँ, ये आपका फ्रेश जोन है, जो कि आदि आप नॉनवेज खाते होंगे तो जैसे लाए ताज़ा तो इसमें रखिए आप, या पनीर लाए इसमें रखिए, ठीक है। मटर वगैरह रखिए इसमें, बाकी ये सब है खाना, ये सब रखिए। बाकी बास्केट नीचे सब्जी वाला है। अब ये नहीं कि हरा सब्जी साग सब्जी हरा वाला यहाँ रखना है, आप यहाँ रख दिए तो फ्रिज में क्या होगा ना कि पानी पानी हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो आपको इसका सेटिंग के हिसाब से रखना पड़ेगा। बाकी ये सब है कि आप नींबू अंडा इधर बोटल्स जो भी रखना है, ठीक है। अच्छा, ये बोला जी ट्विन कूलिंग जो प्लस लिखा है अपने हिसाब से काम करता है, जैसे आप इसमें ऑटो छोड़ दिए तो ऑटोमेटिक जितना सामान है उसके हिसाब से काम करता है। ड्यूटराइजिंग फिल्टर, जैसे पहले ऊपर भी पंखा लगा रहता था, अभी भी है और नीचे भी पंखा लगा हुआ है, समझे कि नहीं। फिलहाल अभी हम देखिए स्विच दे दे रहे हैं क्योंकि आपका फ्रिज कल आया हुआ था जो कि काफ़ी देर हो गया है। तो ऐसे जब फ्रिज आता है ना, कम से कम 4-5 घंटे के बाद ये स्टार्ट किया जाता है, तो हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं इसका। हाँ, तो देखिए लाइट दिए हुए हैं तो इसमें आ गया है, तो ऊपर फ्रीजर में लाइट नहीं जलता है, केवल फ्रिज में लाइट जलेगा। देखिए ना, जल रहा है, यहाँ पे एलईडी लगा हुआ है, ठीक है। अब इसमें अंदर कोई कंट्रोलर नहीं है, जैसे सेटिंग करना होता था ना कम ज़्यादा, तो इसमें बाहर दिया हुआ डिस्प्ले है, ठीक है। अब इसको कैसे यूज करना है, देखिए फ्रीजर लिखा हुआ है, फ्रिज कन्वर्ट लिखा हुआ है और फ्रीजर पावर कूल लिखा हुआ है। ये फ्रिज का हो गया, मतलब नीचे का, नीचे फ्रिज, और ये हो गया फ्रीजर कन्वर्ट, मतलब हम इसको 3 सेकेंड प्रेस करके रखेंगे इसको, तो जैसे नीचे है ना फ्रिज, वैसे फ्रीजर भी फ्रिज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये फ्रीजर हो गया, मतलब इसको फ्रीजर वाला हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए फ्रीजर के टेम्परेचर माइनस 19 है, तो हाँ ये कम ज़्यादा हम कर सकते हैं, ये कम ज़्यादा हम कर सकते हैं। कितना प्रश्न है ऐसे, देखिए ज़्यादा हम जितना जाते हैं माइनस में उतना जल्दी आइस बनाएगा, और जितना हम कम में आएंगे उतना टाइम लगाएगा आइस बनाने में। ऐसे नॉर्मल आपको -19 में रखना है, ये 12 महीना रहेगा, ठीक है। अब ये हो गया फ्रिज, इसमें हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, और जितना कम में जाएंगे हम उतना ज़्यादा कूलिंग करेगा फ्रिज में, और जितना ज़्यादा में हम जाते हैं उतना
कम करेगा। और अम्ब्रेला वाला क्या है? हाँ, और माइनस सॉरी प्लस तीन में हमको रखना है नॉर्मल, और ये अम्ब्रेला वाला है जैसे आपको नीचे यूज नहीं करना है, खाली ऊपर यूज करना है, तो वो वोकेशन मोड हो जाता है नीचे, तो अम्ब्रेला वाला उसी में हो जाता है, समझे कि नहीं। ऐसे हम नॉर्मल तीन में छोड़ दे रहे हैं। अब क्या है कि कन्वर्ट फ्रिज लिखा हुआ है, मतलब नीचे नीचे फ्रिज था, ऊपर फ्रीजर था, तो हम इसको 3 सेकेंड प्रेस कर दिए, तो क्या हो गया ना कि ये जो ऊपर वाला फ्रीजर है वो फ्रिज में कन्वर्ट हो गया। देखिए यहाँ पे लाइट भी बंद हो गया, इधर वाला फ्रीजर वाला, तो वो कैसे काम करेगा, जैसे कि अभी आइस बन रहा था ऊपर भी, तो नॉर्मल होने के लिए 40 से 50 मिनट टाइम लगेगा, समझ पा रहे हैं। अब फिर इसको नॉर्मल करना है, ऊपर फ्रीजर लाना है, तो इसको 3 सेकेंड प्रेस करके रखिए, ये ऑफ हो गया ऊपर वाला, ये ऑफ हो गया, अब फिर इसको 3 सेकेंड हम प्रेस करेंगे, तो ये नॉर्मल हुआ फ्रीजर। मतलब पहले हम प्रेस किए तो ये फ्रीज बन गया ऊपर वाला, और फिर 3 सेकेंड प्रेस करके रखे लॉन्ग टाइम, तो ये ऊपर वाला बिल्कुल ऑफ हो जाता है, हल्का रहेगा लेकिन नॉर्मल लॉक ये हो जाता है, बंद हो जाता है। उसके बाद फिर 3 सेकेंड प्रेस किए तो नॉर्मल हो गया। अब क्या है कि आपके घर में कोई मेहमान आ रहे हैं इमरजेंसी, जैसे 15-25 मिनट पहले फ़ोन किए, तो गर्मी है अभी, आइस तो चाहिए, तो यदि आइस नहीं बना होगा तो 3 सेकेंड इसको प्रेस करके रखिए फ्रीजर को, जबकि उसमें पावर फ्रीजर भी लिखा हुआ है, तो इसको प्रेस करके रखिएगा ना, जहाँ पे 40-35 मिनट में आइस बना रहा था वहाँ 20-15 मिनट में बना देगा, लेकिन ऊपर फ्रीजर रहना चाहिए, समझ पा रहे हैं। मतलब कोई आ रहे हैं तो आपको इमरजेंसी, मतलब 15-25 मिनट में आइस बनाना है, तो इसको 3 सेकेंड प्रेस करके रखिएगा, तो एक लाइट यहाँ पे जल रहा है, तो ये पावर में कंप्रेसर घूमने लगता है और बहुत जल्दी कूलिंग करने लगता है, तो वो आइस जल्दी बनाएगा, तो इसको हम 3 सेकेंड फिर प्रेस कर रहे हैं, फिर नॉर्मल हो जाएगा, हट गया, ठीक है। अब फ्रिज उसी तरह है, जैसे बहुत ज़्यादा सामान रखे हैं, कोई पार्टी हो रहा है, फंक्शन हो रहा है घर में, तो उसके लिए पावर फ्रिज करना पड़ता है, जो कि उसको जल्दी से कूलिंग दे सके, पावर फ्रिज। हाँ, अब इसको हम हटा दे रहे हैं। फिर इस फ्रिज का देखिए ब्रांड का जो वारंटी रहता है, एक साल का रहता है, और अभी कंप्रेसर का वारंटी 20 साल दे रहा है, जो कि इसका सालाना यूनिट खर्च है 285 यूनिट, मतलब साल में 365 दिन होता है, तो एक यूनिट से भी कम लेगा, समझ पा रहे हैं। और आप वारंटी एक्सटेंड करा लिए 4 साल का, तो टोटल 5 साल हो गया आपका, तो और कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं। अच्छा, ये दो स्टार, हाँ, वो 2 स्टार है, और स्टार रहता है क्या? 3 स्टार तक आता है, लेकिन अभी ये देखिए 385 लीटर का है, न्यू मॉडल में भी यही आ रहा है, 3 स्टार। हाँ, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल अभी 3-4 घंटा इसको चलने दीजिए, उसके बाद ही सामान रखिएगा। दो 5 बजे तक चलने। हाँ,